श्री रामचरितमानस ग्रंथ, इसकी जो कथा है सर्वप्रथम इसकी रचना की है हमारे भूत भावन भोलेनाथ। रचना करने वाले हैं भगवान शंकर, ध्यान से सुनिएगा। इसको लिखा है मेरे गोस्वामी जी ने, पर रचा है मेरे भोले बाबा ने। और ये मैं नहीं कहती, इस बात को स्वयं गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, मन में धारण किया इसकी रचना करके, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम ही पड़ गया रामचरित मानस। भोले बाबा ने रचना की। अच्छा, रचना तो की, लेकिन फिर ये संसार तक ये कथा कैसे पहुंची? अब गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया है। आइए गोस्वामी जी के द्वारा लिखी हुई कुछ चौपाइयों का श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन स्वामी जी ने किया है। सबसे पहले मैंने अभी आपसे निवेदन किया, लिखा किसने, रचा किसने, भूत भावन भोलेनाथ ने। रचि महेश निज मानस राखा, रचना करके रख लिया। ऐसा नहीं कि लिखा और तुरंत सुनाना शुरू कर दिया। क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि अभी बाबा को कोई योग्य श्रोता नहीं मिला है। जब वह समय आया, मैया पार्वती ने कथा सुनने की इच्छा जब जाहिर की, तब भोले बाबा ने कथा सुनाई। लेकिन कब पाई सुसमय शिवासन भाखा, सुअवसर जानकर, उचित समय देखकर। जीवन में एक चीज याद रखिएगा, किसी भी बात को रखने से पहले यह समझ लीजिएगा कि ये उस बात को कहने का सही अवसर है या नहीं है। हमारी आदत होती है ना कि किसी भी बात में चले जाते हैं, बीच में घुस जाते हैं और परिणाम फिर गलत होता है। भोले बाबा का यह प्रसंग क्या कहता है? भोले बाबा ने अवसर देखा, सुअवसर जानकर मैया जी को ये कथा सुनाई। ये तो हुई बाबा ने मैया को कथा सुनाई। अब दूसरी चर्चा कैसे हुई? सोई शिव काग भुसुंडी ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना।
नहीं था। दूसरे नंबर पे भोले बाबा ने काग मुसुंडी जी को सुनाई और तीसरे नंबर पे तेही सन जाग बलिक मुनि पावा तिन्हें पुने भरद्वाज प्रतिगावा। फिर किसकी चर्चा आई, याज्ञवल्क जी को यह कथा मिली और अंत में स्वयं गोस्वामी जी क्या कहते हैं, इनको तो कथा भोले बाबा ने दी पर मुझे कैसे मिली, मैं अब ये चर्चा करता हूँ। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसु करे खेत समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अचे। मुझे ये कथा मेरे गुरुदेव के माध्यम से मिली। ये तो मैंने आपसे निवेदन किया कि ये कथा सुनी मिली किसे किसे, और जिन्होंने यह कथा सुनी, जिनको यह कथा प्राप्त हुई, उन्होंने किसको कथा सुनाई, अब मैं उसकी चर्चा आपसे करती हूँ। सबसे पहले इस कथा की रचना किसने की, जरा जोर से बोलिएगा, 8 बार बता चुकी हूँ। रचना किसने की, नंबर ना कटेंगे, बोल दो जोर से, कोई टेंशन नहीं। किसने रचना की, नहीं अब भाई ठीक से बैठे ना, इसका मतलब आप रची महेश निज मानस राखा। रचना की भोले बाबा ने, भोले बाबा ने फिर किसे सुनाया, काग मुसुंडी जी। काग मुसुंडी जी के बाद किसको मिली यह कथा, याज्ञवल्क जी को। नोट कर लीजिए, मैं फिर कभी पूछूंगी। जब यह कथा काग मुसुंडी जी को मिली, भोले बाबा ने रचना करके मैया पार्वती को सुनाया, पाई सु समय शिवासन भाखा। बाबा ने रचना की, श्रोता बनी मैया पार्वती और मैया पार्वती को यह कथा सुनाई। और जब काग मुसुंडी जी को यह कथा मिली तो काग मुसुंडी जी ने गरुड़ जी को यह कथा सुनाई। जब याज्ञवल्क जी को यह कथा मिली तो तीन मुनि भरद्वाज प्रति गावा, याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को यह कथा सुनाई। अंततः गोस्वामी जी ने किसे सुनाई, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मेरे गोस्वामी जी महाराज ने अपने निज मन को, या कहिए तो गंगा मैया को यह कथा सुनाई। काशी के घाट पर बैठकर यह कथा इस प्रकार से लोगों में वितरित हुई। भगवान भोलेनाथ, देखिए चार वक्ता हैं इस कथा के और चार श्रोता हैं। जैसे आप यहाँ श्रवण कर रहे श्रोता के रूप में, ठाकुर जी ने मुझे सेवा दी, यहाँ बैठने का अवसर दिया एक वक्ता के रूप में। भगवान की यह कथा चार श्रोताओं ने प्रथम जब प्राप्त की और सुनाई किसे किसे, चार वक्ता हैं और चार श्रोता हैं। बाबा ने मैया जी को सुनाई कैलाश पर्वत पर, काग मुसुंडी जी ने नीलगिरी पर्वत पर यह कथा गरुड़ जी को सुनाई, याज्ञवल्क जी ने प्रयागराज में बैठकर भरद्वाज जी को यह कथा सुनाई और गोस्वामी जी गंगा के तट पर बैठकर संत समाज को यह कथा सुना रहे हैं। ये वही कथा है जो कथा भी इतने लोगों को मिली, इतने लोगों में बटी, इतने लोगों ने सुनी ना, हम और आप भी यही कथा सुनने के लिए बैठे थे। पर ध्यान रहे, कथा में बैठे अच्छी बात है, पर कथा को जब तक खुद में बिठाएंगे नहीं तब तक एक इधर से जाएगी और दूसरी इधर